धन यूनियन की तरफ से मैं प्रियंका शर्मा पहुंची हूं बनारस और ये है वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र। यहां पर हम आए हैं अर्दली बाजार में। अब देखिए जब बनारस की तरफ आते हैं तो बनारसी साड़ियों का जिक्र जरूर होता है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहां पर एक से बढ़कर एक साड़ी घर में बनारसी साड़ी है जिनको हम तस्वीरों के जरिए कैद भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि क्या मौजूदा चुनावी स्थिति बनी हुई है। आप क्या देख रहे हैं, क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है? देखिए मैडम, व्यापारियों को सबसे पहले जो चीज चाहिए वो सेफ्टी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे व्यापार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करती है हमको उस पर फोकस करना चाहिए। सबसे बड़े हम लोग सेफ्टी पे रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो कर रही है और सरकार ने भी काम किया, पर जितना व्यापारी भाजपा सरकार में अपने आप को सेफ महसूस करता है मुझे नहीं लगता है कि किसी और में। व्यापारी के लिए सेफ्टी का पैमाना क्या है? पैमाना देखिए, एक तो यहाँ पे माफियाओं से और बदमाशों से सेफ्टी। इस बार मुद्दों पर मतदान होगा या धर्म के आधार पर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए दोनों ही बातें हैं, अपने अपने पक्ष लोग रखते हैं। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुद्दों पर ज्यादा है। हाँ, शंभुनाथ की नगरी और आपने भी तिलक लगाया हुआ है तो क्या ये देखेंगे कि हिंदुत्व कहाँ पर आगे जा रहा है वहाँ पर हम वोट करें? ये तो कहने वाली बात ही नहीं, बहुत आगे बढ़ गया पहले से। हाँ, तो इसको ध्यान में रखते वोट किया जाएगा? एकदम एकदम, बिल्कुल। प्रत्याशी को ध्यान में रखा जाएगा? देखिए प्रत्याशी को तो ध्यान में रखने वाली बात है, जहाँ तक करेंगे तो बीजेपी प्रत्याशी बढ़िया है, सब अच्छा काम किया है। अच्छा ये बताइए क्या काम नहीं हुआ जिसमें थोड़ी बहुत निराशा है? क्या काम नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुछ, चारों तरफ है प्रगति। आपको लगता है कि बीजेपी की वापसी हो पाएगी? बीजेपी की 101% वापसी है, 101% बनारस से तो है ही है और भी राज्यों से, हर जगह से बीजेपी। अर्दली बाजार में कैसा माहौल बना हुआ है जब आप लोग शाम को सारे एक साथ बैठते हैं, किस तरह की गपशप हो रही है? गपशप सब अपने तरफ से, मतलब सपा से, कोई बीजेपी से और अदर पार्टियां हैं, पर बीजेपी जो है इस समय बहुत क्रेज में है और बनारस में काफी ज्यादा क्रेज है क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से काम हुआ है बीजेपी का वो हमें नहीं लगता कोई। अब जो सरकार आए वो क्या आप लोगों के लिए सबसे बड़े काम करें? कहीं ऐसी निराशा, जैसे विपक्ष ने कहा कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, क्या आप लोग भी मानते हैं कि इन चीजों से निराशा बनी है? नहीं मैडम, मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे राज्य में बेरोजगारी है। ठीक है हर आदमी अपने लेवल पे काम कर रहा है लेकिन जो जहाँ है वहाँ बेस्ट है, बेरोजगारी नहीं। और बीजेपी को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है? बीजेपी देखिए एक डेवलपमेंट वाली सरकार है, बीजेपी डेवलपमेंट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको भाजपा सरकार जहाँ जहाँ काम कर रही है आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा पूरे देश में। लोग कह रहे हैं कि भाजपा की वापसी तो हो जाएगी लेकिन उतना दमदार तरीके से 300 पार नहीं कर पाएगी। काशी क्या कह रही है? मुझे वो लगता है कि 300 टच करेगी, 300 टच करेगी, 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। तो काशी वार्ता में यहाँ पर इस बातचीत को यहीं पर रोकेंगे लेकिन अभी ये सफर और जारी रहेगा। 7 मार्च को मतदान होगा, 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन बैठेगा। हम हर वर्ग से बातचीत करेंगे। ये व्यापारी वर्ग का वर्जन आपने सुना कि क्या कुछ वो सोचते हैं कि उनकी काशी पिछले 5 सालों में कितनी बदली है। फॉर मोर सच फाइन स्टोरीज एंड वीडियो रिपोर्ट्स फ्रॉम फील्ड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द न्यू इंडियन।